अभी आप जिस छोटे से किंगफिशर पक्षी को देख रहे हैं, इसी ने जापान की बुलेट ट्रेन को विकसित करने में मदद की है, क्योंकि पहले जापान की बुलेट ट्रेन जब किसी टनल के अंदर जाती थी और फिर बाहर निकलती थी तो बहुत ही तेज आवाज होती थी। लेकिन फिर जापान के साइंटिस्ट्स ने इस पक्षी को अच्छे से नोटिस किया और देखा कि जब ये मछली पकड़ने के लिए नदी में डुबकी लगाता है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है। और फिर इसी पक्षी की बॉडी को ध्यान में रखते हुए बुलेट ट्रेन को डिजाइन किया गया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये तरीका काम कर गया। इसके बाद से बुलेट ट्रेन से कोई भी आवाज नहीं आती है और इसकी स्पीड भी और तेज हो गई। और आपको साइंस में दिलचस्पी है तो अनवेल्ड यूनिवर्स के साथ जुड़े रहिए।